नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के ये फोर्थ वीडियो कर रहे हैं हम लोग, लीव ट्रैवल कंसेशन। और मैं हूं सीएस केके अग्रवाल। अब लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता किस लिए था कि आपको एम्प्लॉयर पैसा देता था ताकि आप अपने होम टाउन जा सके या इंडिया में कहीं भी घूमें, और उसका जो घूमने का खर्चा हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वो एग्जेम्पशन मिलता था। यानी कि घूमेंगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, घूमेंगे नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और इसका पूरा ब्लॉक चलता था। उस 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 बार घूमने का एग्जेम्पशन मिलता था। कोविड आ गया, घूम नहीं सकते, तो सरकार क्या करेगी? अगर घूम नहीं रहे तो एग्जेम्पशन कैसे देगी? तो उन्होंने एक कंडीशंस ले आए कि अगर आप ये सब काम करेंगे तो हम एग्जेम्पशन आपको देंगे। तो मैं आपको एक बार सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 दिखलाता हूं जो ओरिजिनली लॉ में लिखा हुआ है। मैं यहां आया और ये इनकम टैक्स इंडिया .gov का वेबसाइट है, आप लोग यूज करते भी होंगे उसको। और इसमें आप देखेंगे सेक्शन 10 1 2 3 4 B D D D D 5। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय और ड्यू टू हिम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर्स, एयर इकोनॉमी फेयर से जा रहे हैं, नेशनल मतलब एयर इंडिया सॉरी प्लेन से जा रहे हैं तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, और रेल से जा रहे हैं तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये मैक्सिमम एग्जेम्पशन दे हैव स्पेसिफाइड, और कुछ और कहानी है। और ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में 2 तक खत्म हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है, जरा देखते हैं। इन्होंने लिखा है आफ्टर द प्रोविजो एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन। तो इसमें प्रोविजो है या नहीं है हमने देखा नहीं। यस, एक प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि ये दूसरा प्रोविजो ये ऐड करेंगे, और इसमें कुछ कहानी लिखी हुई है और मैं पढ़ता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर असेसमेंट ईयर बिगनिंग दिस द वैल्यू इन लीव ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस। अब देखिए, द वैल्यू इन लीव ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय और ड्यू टू सच इंडिविजुअल शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट अंडर दिस क्लॉज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशंस इंक्लूडिंग द कंडीशंस ऑफ इनकरिंग सच अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि रूल्स में वो कंडीशंस लिखेंगे। तो रूल्स तो अभी आया नहीं है, रूल्स तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये मेमोरेंडम में वो सारे सॉरी ये मेमोरेंडम में वो सारे कंडीशंस इन्होंने लिखे हुए हैं जो मैं अभी आपके साथ पढ़ूंगा। और वो कंडीशंस क्या है यही रूल में आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिलता था उसके बदले वो कैश अलाउंस देंगे। ये जो कैश अलाउंस आपको मिला है वो आपको खर्च करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर। और पढ़ता हूँ, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑन गुड्स और सर्विसेज विच आर लायबल टू टैक्स एट एन एग्रीगेट रेट ऑफ 12% और अबव अंडर द वेरियस जीएसटी लॉज एंड गुड्स आर परचेज और सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर से गुड्स या सर्विसेज कोई भी एक आपको खरीदना पड़ेगा, और उसका एग्रीगेट रेट ऑफ 12% और अबव अंडर वेरियस जीएसटी लॉज होना चाहिए। एग्रीगेट रेट ऑफ का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि वो 5% का आप गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट आपका 12% या उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि मान लीजिए 5% का आपने 1 लाख रुपए की चीज खरीदी, 12% की 1 लाख रुपए खरीदी, और 28% की 1 लाख की खरीदी। हमने जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर लिया 5,000, 12,000, 28,000। टोटल जीएसटी आया 45,000, डिवाइडेड बाय 3 लाख किया, इंटू 100 कर दिया। तो ये जो रेट है 15%, दैट इज एग्रीगेट रेट 12% और अबव। इसके बाद स्पेसिफाइड पीरियड लिखा हुआ 12 अक्टूबर 2020 से लेकर एंडिंग 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये हो गया कि जितने गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदे हैं और उसका बिल आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो 31 मार्च 2021 अभी आपके पास टाइम है, 8 फरवरी 2021 है, और 1-1.5 महीने आपके पास टाइम है। आप जब भी गुड्स और सर्विसेज खरीदें, अगर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन के बदले कैश अलाउंस मिला है तो उसका बिल आप रखें ताकि आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकें। अब एग्जम्पशन कितना मिलेगा, द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन शैल नॉट एक्सीड 36,000 रुपीज पर पर्सन। नाउ ये पर पर्सन क्यों लिखा हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। और 1/3 ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस, यानी कि जितना मिल रहा है उसके बेसिस पे एग्जम्पशन नहीं है।
जितना आपको मिल रहा है उसमें एग्जेम्पशन जो डिपेंड करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, 1/3 ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर और जो 36,000 रुपीज विच एवर इज लेस। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, मान लीजिए आपको LTC का अलाउंस मिला, कैश अलाउंस इन लियो ऑफ LTC 36,000, लेकिन आपने खर्चा किया है 30,000 ओनली, तो आपको 30,000 का 1/3 और 36,000 विच एवर इज लेस इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, तो आपको एग्जेम्पशन 10,000 का मिलेगा, लेकिन आपकी इनकम तो 36,000 है, तो 36,000 माइनस 10,000 26,000 टैक्सेबल होगा, इसको मैं 26 कर देता हूं, तो ये 26,000 टैक्सेबल होगा। और कोई कंडीशंस, ये सब कंडीशंस और भी कंडीशंस, ओहो, जो आप पेमेंट करेंगे दैट शुड बी थ्रू अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू थ्रू बैंक अकाउंट और या कोई और प्रिस्क्राइब मोड जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है, और टैक्स इनवॉइस हैज टू बी ऑब्टेंड, यानी कि पूरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये LTC का इतना ही था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी कर लेंगे। तो LTC का भी याद रखिएगा, लास्ट डेट 31 मार्च तक आपको खर्च करना है। आगे करते हैं, और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिएगा और उसके बारे में बता भी देते हैं आपको। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसके क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स के और GST के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस के आपको क्लासेस मिलते हैं, तो ये जरूर देखिएगा। बुक्स इनकम टैक्स के और GST के, ई बुक्स, ये सेम जो बुक्स आपको नज़र आ रहा है फिजिकल हार्ड कॉपी, ये आप ई बुक में भी खरीद सकते हैं। टैक्स एक्सेल बहुत सारे हैं, खासकर जो बेस्ट सेलर है रूल 42-43 है, और कंसल्टेंसी, मान लीजिए आपको नोटिस आया उसका रिप्लाई बनवाना है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, देन यू कैन पे द चार्जेस। तो और भी फ्री में भी बहुत सारा कुछ है जिसको आप देख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू ऑफर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बुक फ्री में है, इसकी PPT फ्री में, बहुत सारी चीज़ें फ्री में, एनुअल रिटर्न 1920 का क्या क्या चेंजेस है वो भी लिखा हुआ है इसमें। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।